मन जो है, अगर उसके ऊपर हम स्वेच्छा से नियंत्रण नहीं करते हैं तो मन अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, और जब अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, हालांकि जड़ पदार्थ है, इच्छा अनुसार कार्य करता है भगवान की काल शक्ति के प्रभाव से। भगवान की काल शक्ति जो है ये दिव्य है। जो काल शक्ति है वो चेतनशील है। भगवान और भगवान की काल शक्ति, काल स्वरूप में अंतर नहीं है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, गीता में कहा जाता है काल के रूप में मैं यहाँ पर सब चीज को नष्ट करता हूं, भगवान कहते हैं। यह है, इस जगत में सब कुछ नष्ट होता है काल के प्रभाव से। तो काल शक्ति जो है ये जड़ नहीं है, काल शक्ति चिन्मय है। तो इसलिए काल शक्ति के प्रभाव से मन भी ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो जब मन अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है तब फिर हम उसके अधीन रहकर दो ही चीज प्राप्त कर सकते हैं, या तो सुख या तो दुख, और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए मन पर संस्कार है आसक्तियों की, कि किसी भी चीज से मन अगर संस्कार यह है कि किसी भी वस्तु के साथ अगर हमारा संबंध हो तो उसके साथ उसमें हमारी आसक्ति होती है, संस्कार है। सोचिए आसक्ति हो चुकी है अपनी गाड़ी से, तो यह संस्कार मन पर पड़ गया है, मन पर यह छाप पड़ चुका है। अब उसके अनुसार होता क्या है कि अगर आप अपने घर में बैठे हो और बाहर जोर से आवाज आती है कि जैसे एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा गई है, ऐसे आभास होता है, आवाज आती है, तो तुरंत सबसे पहले मन अगर नियंत्रित नहीं है, मन जो है अपने इच्छानुसार कार्य कर रहा है, तो मन पर क्योंकि संस्कार है आसक्ति के, उस गाड़ी से, आपके स्कूटर से या कार से जो आसक्ति है वो सबसे पहले उभर कर आता है, वो सबसे पहले सामने आ जाता है, प्रकट होता है, और आप तुरंत चिंतित हो जाते हो, तुरंत चिंतित हो जाते हो। फिर दौड़े दौड़े आप बाहर जाते हो, देखते हो कि आपकी गाड़ी से कुछ टकराया नहीं, आपकी गाड़ी जो है सलामत है। तो मन का वो संस्कार जिससे आपको आपकी गाड़ी से आसक्ति है, अब क्या करता है, आपको सुखी कर देता है। तो पल भर में चिंता, पल भर में सुख, कुछ बदला नहीं है। जो आपको आभास हुआ था कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है, वही आप अपने नेत्रों से भी देख लेते हो, प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हो कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है। लेकिन जब आप भीतर हो, जहां पर आभास हो रहा, घर के अंदर हो, तो आसक्ति के कारण आपको चिंता हो रही है। बाहर आते हो, वही आसक्ति के कारण आपको सुख हो रहा है। सोचिए आपकी गाड़ी वहां पर होती ही नहीं, तो किसी को चोट लगी है इसकी आपको चिंता होती है। अंदर आप बैठे हुए, आपकी गाड़ी नहीं है, ऐसे आभास होता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, आवाज आ जाती है अंदर, तब आपको चिंता होती है किसी को चोट तो नहीं लगी। यहां पर मन पर क्या संस्कार है, थोड़े जहां जहां आपकी आप अपना दया अपनी दया जो है व्यक्त कर सकते हैं, तो यह संस्कार है। तो जब मन नियंत्रित नहीं है तो अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसलिए मन पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। और जब व्यक्ति सर्वसंकल्पी हो जाता है, संकल्प लेता है, तो यह संकल्प के माध्यम से हम व्यक्त कर रहे हैं कि मन को नियंत्रित करेंगे। इसीलिए संकल्पी होना, संकल्प लेना बहुत आवश्यक है।